हेलो एवरीवन, आज हम साइंस की वर्कशीट 6 करेंगे 5 अगस्त की। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में भी कंटिन्यू किया था। एज वी ऑलरेडी नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एल्गी, और मल्टी सेल्यूलर होते हैं जैसे कि एल्गी या फंगी। अब ये रहते कहाँ हैं? दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सभी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो कितना भी कोल्ड हो चाहे कितना भी गर्म हो। अब दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये ह्यूमंस की भी बॉडी में रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये और ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी में भी रहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकेली भी रहते हैं अपनी खुद की कॉलोनी बनाकर, जैसे कि हम देख सकते हैं हॉट स्प्रिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं छोटे छोटे, ये देखिए इस तरह के, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेजर्ट्स में है, ये देखिए आइस में, कोल्ड में भी है और सॉइल में भी होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब इट मीन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हर जगह रहते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंस बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, इम्पोर्टेंट क्यों है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होते हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, एल्कोहल और केक में यूज होते हैं। ये ऑल्सो यूज होते हैं वर्ल्ड को क्लीन करने के लिए, हमारी आसपास को साफ करते हैं, जैसे कि ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, खाद में बना देते हैं जैसे वेजिटेबल पील, रिमेन ऑफ एनिमल फेसेस, इन सब को, और अर्थ को हेल्दी रखते हैं और क्लीन रखते हैं। बैक्टीरिया से मेडिसिंस भी हमारी कुछ बनती है, और इन एग्रीकल्चर ये यूज होते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। सो ये था हमारा नेक्स्ट वर्कशीट का पार्ट। सो अगर आपको ये पूरा चैप्टर देखना है तो आप देख सकते हैं इसे, इसे हमने यूट्यूब चैनल पर अपने डाल रखे हैं इसके चैप्टर्स। ये हमारी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 है, आप उसे देख सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। अब आगे आगे देखते हैं, अब डिफरेंस बताना है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में। यूनिसेल्यूलर अमीबा, पैरमीशियम, ईस्ट होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर ह्यूमन बींग, प्लांट, एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल दे दिए। अब ये कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि हर जगह रह सकते हैं, और ये हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, ये कहीं भी रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में, कोल्ड में, किसी की बॉडी पे, डेजर्ट पे, या फिर सॉइल में, कहीं भी। अब राइट 3 एग्जाम्पल। अब 3 एग्जाम्पल लिखने हैं डेली लाइफ यूज के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। एल्कोहलिक बेवरेजेस में प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, मेकिंग कर्ड एंड चीज, एंड फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। सो ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। मैं आपको क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 2 का वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे देख लेना। बाय।